सर, मैं जान सकती हूँ आपने किन किन पर केस किया है, और जो केस आपने किया है वो किस आधार पर किया है? जी जी मैं बता देता हूँ। जी हमने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर की कोर्ट में जी करण जौहर, आदित्य जी चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, सलमान जी खान, संजय जी लीला भंसाली, भूषण कुमार केजरीवाल, एकता कपूर जी और दिनेश बिजियान, कुल 8 के खिलाफ हमने केस दर्ज कराया है। और आईपीसी की धारा जो इसमें है 306, 109, 504, 506 के तहत दर्ज कराया है। और हमने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत जब फिल्म में अभी हाइट पर था तो इन सभी लोगों ने उसका बायकॉट करना शुरू किया और एक साजिश के तहत उसका साथ साथ फिल्मों को छीना, जो फिल्म का निर्माण हो चुका था रिलीज होने से रुकवाने का प्रयास किया और ऐसा नौबत ला दिया कि ये लड़का आगे जो भी सुपरस्टार बन सकता है बन जाएगा, इसको यहीं पर रोको, अपने से सुसाइड कर ले या माने कोई गलत कदम उठा ले। तो इन लोगों के इस प्रेशर और इस अति के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं घटनाएं हुई है। खास करके चूंकि मैं बिहार से हूँ, बिहार का लड़का था, काफी दुख और ठेस पहुंचा और सारे लोगों को भी पहुंचा है, देश भर का ठेस पहुंचा है लोगों को, प्रधानमंत्री तक आपको जारी किए हैं। तो जी सर, आप ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इन तमाम हस्तियों पे, सर क्या इसका आधार है, कुछ सबूत कुछ है आपके पास? इसका आधार है लेकिन कोर्ट को हम देंगे, हम इसको मीडिया में अभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। आधार मेरे पास पुख्ता है और उनके पिताजी को मैंने गवाह बनाया है, कंगना रनौत को भी मैंने गवाह बनाया है और कुछ साक्ष सब मुझे मुंबई से भी आया है, कुछ लोगों दिया है, कुछ मेरे पिताजी के माध्यम से भी, और बहुत सारे साक्ष मेरे पास हैं, जो फिल्म जिस समय छीना गया, किसी को दिया गया, रोका गया, बहुत तरह के साक्ष हैं, लेकिन सब न्यायालय में मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि अभी आउट करने पर गोपनीयता भंग हो जाएगा, समझे ना सर। पिताजी से उनके बात हुई है आपकी, क्या वो आपके इसमें वो सहभागी हैं? पिताजी उनकी जो है सो भी थोड़ा सा बहुत मर्माहत है, इसलिए विशेष बातें नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने खुद सीबीआई से जांच की मांग किया है, उन्होंने खुद सीबीआई से जांच की मांग किया है और कंगना रनौत का बयान भी आया है। तो हमने कंगना रनौत का बयान जो देखा है उस बात मैंने उसको गवाह बनाया है। तो कंगना रनौत या पिताजी में से दोनों में से किसी की आपकी इस विषय पर डायरेक्ट बात? डायरेक्ट बात नहीं हुई, डायरेक्ट बात नहीं हो पाई है सर। और आप कह रहे हैं कि जो उनका बयान आया है उनके कुछ लोग हैं जिनसे बात हुई है, जो साक्ष के बारे में कहे हैं, कुछ साक्ष भेजा भी गया है, कुछ साक्ष वो उपलब्ध कराया गया गोपनीय रूप से और उनकी सहमति भी है। चलिए शुक्रिया सर, लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।